वनडे वर्ल्ड कप का आगाज 5 अक्टूबर से होना है और आईसीसी ने वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया आकर वर्ल्ड कप खेलेगी या फिर नहीं खेलेगी। पीसीबी ने आईसीसी से बोला था कि हम अपनी सरकार से कंफर्म करके बताएंगे आपको कि हमें इंडिया आना है वर्ल्ड कप खेलने के लिए या फिर नहीं आना है, लेकिन अब खबर आ रही है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया आएगी या फिर नहीं आएगी इसे लेकर एक कमेटी बनाई है और खबर आ रही है कि इस कमेटी की अध्यक्षता पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो करेंगे और बिलावल भुट्टो के साथ बहुत सारे पाकिस्तान के मंत्री हैं जो इसमें शामिल हैं। इस कमेटी में आपको बता दें कि ये कमेटी पाकिस्तान के पीएम को रिपोर्ट सौंपने से पहले इस बात पर चर्चा करेगी कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं, इन सब पहलुओं पर चर्चा करेगी और इस बात पर भी चर्चा करेगी कि पाकिस्तान को इंडिया आकर वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या फिर नहीं खेलना चाहिए। आईसीसी और बीसीसीआई इस ताक में है कि कब पाकिस्तान आए इंडिया और कब वर्ल्ड कप खेले, लेकिन पाकिस्तान का अभी कोई भी कंफर्म नहीं है कि वो इंडिया आकर वर्ल्ड कप खेलेगी या फिर नहीं खेलेगी। 100 दिन से भी कम बचे हैं वर्ल्ड कप शुरू होने में। 10 टीमें क्वालिफाई हो चुकी हैं, 10 टीमें मिल चुकी हैं वर्ल्ड कप के लिए कि कौन कौन सी टीमें खेलेंगी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का आना अभी तक कंफर्म नहीं है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया आकर मैच खेलेगी या फिर नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।